दोस्तों सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के दिन एमपी पटवारी में ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखिए। पहला क्वेश्चन, इसमें मुझे ऑप्शन नहीं मिले थे, उसने विद्यार्थी ने बताया था इस प्रकार का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर है 87 56 30। ठीक है, इससे हम यदि कोई ट्रिक निकल रही है तो वो ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, 8 7 8 7 56 छप्पन। तो यहाँ पर क्या कर दिया इसने, 56। अब 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 30। तो यहाँ पर इसने क्या लिख दिया, 30। अब दोस्तों यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, 3 और 0 को आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0। तो यहाँ हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए, असंगत को पहचानो। ठीक है, असंगत पहचानो यानी कि अलग कौन सा है। तो इसमें देखिए ए है, ई है, एस है और यू है। अब दोस्तों आप अंग्रेजी वर्णमाला में जानते होंगे कि ए ई आई ओ यू ये सभी तो क्या है, वावल्स यानी कि स्वर है, और ये कौन सा सोनेंट एस अलग हो गया। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, स्वेटर रेशियो वस्त्र, ठीक है, प्रोपोर्शन रामायण रेशियो क्या होगा, यानी कि स्वेटर एक वस्त्र है तो रामायण क्या है, एक पुस्तक है, हिंदू है, कथा है, धर्म है, तो रामायण क्या है, एक पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, तो रामायण क्या हो गई, एक पुस्तक हो गई। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।